आगामी 22 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने वाली श्री क्षत्रिय युवक संघ हीरक जयंती समारोह को लेकर उदयपुर में आज विशाल रैली का आयोजन हुआ। रैली में बड़ी संख्या में राजपूत समाज के युवा वाहनों पर नारे लगाते हुए हाथों में केसरिया झंडा लेकर केसरिया साफी बांधे नजर आए। दरअसल श्री क्षत्रिय युवक संघ की ओर से 22 दिसंबर को जयपुर में हीरक जयंती का विशाल आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में हर धर्म और हर वर्ग के लोग बड़ी संख्या में शिरकत करें, इस उद्देश्य के साथ समाज के युवाओं द्वारा इस वाहन रैली को निकालते हुए आमजन से आह्वान किया गया कि वे इस रैली में जरूर पहुंचे। कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि इस विशाल आयोजन के माध्यम से देश के युवाओं को भारत की संस्कृति के बारे में बताया जाएगा, ताकि युवा वर्ग जागरूक हो सके और एकजुट होते हुए भारत की संस्कृति को बचाया जा सके। रैली शहर के कई मार्गों और चौराहों से होते हुए गुजारी जाएगी, ताकि आमजन तक ये संदेश पहुंच सके। रैली में सबसे आगे एक जीप में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की एक बड़ी तस्वीर भी लगाई गई थी, जिसके आगे और पीछे दुपहिया वाहनों पर कई युवा नारे लगाते हुए चल रहे थे। पूज्य तन सिंह जी ने आज़ादी से पहले 1946 में कि क्षत्रिय समाज में जिन संस्कारों का होना चाहिए, उन संस्कारों को कैसे स्थापित किया जाए, बच्चों को कैसे संस्कारित किया जाए, ताकि नई पीढ़ी संस्कारवान हो, अपने स्वधर्म का पालन करे, कर्तव्य का पालन करे, वह परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और मानवता के लिए अपने आप को कैसे अर्पित कर दें, वह संस्कार निर्माण स्थायी रूप से उनके समाज का जो जीवन के लिए उनके जीवन में आ जाएं, स्वभाव बन जाएं, स्वधर्म का पालन के लिए, उसका उन्होंने श्री क्षत्रिय युवक संघ के रूप में एक अनूठी कार्य प्रणाली और शिक्षण प्रणाली उन्होंने जो बनाई, और उसी का 75वां स्थापना दिवस समारोह है। क्षत्रिय युवक संघ ये सिखाता है कि मैं मेरा काम करने के लिए तत्पर रहूँ, कर्तव्यनिष्ठ रहूँ, अगर पुरस्कार इनाम की और वाहवाही की बात आए तो मैं पीछे हट जाऊँ, तो केवल काम करने के लिए। जिस प्रकार वन में फूल खिलते हैं, वो ये नहीं देखते कि उन पर कौन कविता लिख रहा है, कौन उन पर लेख लिख रहा है, कौन उनकी तारीफ कर रहा है, उसका धर्म है खुशबू बिखेरना। वैसे ही हर युवक या हर व्यक्ति उस भाव को ग्रहण कर ले कि मेरा जो काम है, मेरा धर्म है, वह मैं बिना किसी प्रशंसा के, बिना किसी अपेक्षा के करता रहूँ। ये संस्कार निर्माण के लिए क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना की गई थी, जो अपना 75वां स्थापना दिवस मना रहा है, जयपुर में भव्य रूप से मना रहा है। सभी समाज के लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं, और कई लोग केवल ये राजपूत जाति का नहीं है, सभी समाज के लोग जिन्होंने तन सिंह जी को पढ़ा है, समझा है, प्रभावित हुए हैं, वो जुड़ रहे हैं, और ये राष्ट्र निर्माण का जो यज्ञ है, इसमें सब अपनी आहुति दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, और ये भारत के उज्ज्वल भविष्य का एक आधार बनेगा, ऐसा विश्वास है। और उसी किस तरह की रैली का आयोजन किया गया? हीरक जयंती में उदयपुर से और इस क्षेत्र से अधिक लोग पहुँचे, ताकि वो तन सिंह जी के विचारों से और उस कार्य से, क्षत्रिय युवक संघ से परिचित हों, तो उनको वहाँ ले जाने के लिए, इससे जोड़ने के लिए, प्रचार के लिए इस रैली का आयोजन किया गया। और सभी युवाओं को कहा गया है, पहले भी और भी कई शहरों में इस संबंध में वाहन रैली निकाली गई है, तो बिल्कुल अनुशासित ढंग से पूरे जो सड़क हैं उसको कहीं पे भी रोक के व्यवधान नहीं करें, अपनी लाइन में चलते हुए बाकी सबको भी चलने का मौका देकर और अनुशासित ढंग से, अनुशासन की सीख, जो भी संगठन हैं, जो भी दल हैं, जब भी सार्वजनिक रूप से कोई प्रदर्शन करते हैं तो आम जनता को परेशानी होती है, वह नहीं हो, और हम हमारे काम को करते हुए बाकी सबको भी अपने जो भी सुविधा हैं उनका उनको भोग करने दें, उनका अधिकारों को भोग करने दें, इस तरह का अनुशासन करते हुए हम अपना कार्यक्रम करें, यही सीख देने के लिए आज की वाहन रैली निकाली गई। ये क्षत्रिय युवक संघ के स्थापना के 75वां वर्ष पूर्ण होने पर हीरक जयंती समारोह जयपुर में 22 दिसंबर को मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में हर क्षेत्र से राजपूतों को अधिक से अधिक मोटिवेट करके और वहाँ उपस्थिति के लिए, तथा यहाँ से जो लोग जाएंगे उनको ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप वहाँ पूरी तरह से राजपूतों के जो संस्कार हैं उसकी तरह से अनुशासित रूप से रहते हुए बैठक में भाग लें, और इसके पश्चात इस क्षेत्र में जो क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना के संबंध में जो भी आगे कदम उठाने हैं उसके बारे में जगह जगह चर्चाएं हो रही है। हर तहसील हेडक्वार्टर पे संबंधित हमारे महानुभाव पधार रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। इस आयोजन से निश्चित रूप से इस क्षेत्र में भी क्षत्रिय युवक संघ के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा, और अपने क्षत्रिय युवकों को अच्छे संस्कार देने के प्रयास किए जाएंगे। एक अच्छी टीम तैयार की जाएगी जो संघ के रूप में कार्य करेगी, और शाखाएं
और रात्रि चौपाल लगा के लोगों बच्चों को संस्कारवान करेगी। निश्चित रूप से ये आयोजन युवा पीढ़ी के लिए बहुत लाभदायक होगा। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे श्री क्षत्रिय युवक संघ का एक हरि जयंती मना रहे हैं और उसका एक अधिवेशन जयपुर में रखा गया है। तन सिंह जी एक ऐसे व्यक्तित्व कृतित्व के धनी थे जिन्होंने समाज को राष्ट्र को एक नई दिशा दी है। आज हम देख रहे हैं कि आज हमें मानवीय मूल्यों की, जीवन के मूल्यों की, पारिवारिक मूल्यों की और राष्ट्र स्वाभिमान की बात करनी है, तो ऐसे में हमें गीता का जो ज्ञान है, गीता का सार यही कहता है कि कठिन परिस्थितियों में किस तरह से हम अच्छे निर्णय लें, किस तरह सकारात्मक दृष्टिकोण से एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में न केवल हमारे परिवार के साथ में, समाज के साथ में, बल्कि राष्ट्र निर्माण में हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं, इन्हीं भावनाओं को, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि चारों ओर जो एक वातावरण बन रहा है, जो एक मूल्यों की गिरावट आई है, आज आप देखिए हर क्षेत्र लीजिए, चाहे एक शैक्षणिक वातावरण हो, चाहे न्यायिक वातावरण हो, चाहे प्रशासनिक वातावरण हो, सभी में कहीं की गिरावट है। ऐसे में तन सिंह जी ने जो जिन वैल्यूज़ के आधार पर समाज को रिस्थापित करने की जो एक उनका दृष्टिकोण को, उन्हीं को पुनर्स्थापित करने के लिए हीरक जयंती का महोत्सव भी मनाया जा रहा है और हम सभी इकट्ठे होकर आज एक उसका एक रैली के रूप में आयोजन किया है। इन्हीं भावनाओं के साथ समाज को आगे बढ़ाएंगे, राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। जी, किस तरह की रैली का आयोजन किया जा रहा है और आज यहाँ आए तो क्या देखते हैं? स्वर्गीय तन सिंह जी ने जो ये क्षत्रिय समाज के लिए कार्य संस्कार कार्यशाला वगैरह शुरू करी थी, आज इस मुकाम पे पहुँच गई है कि जयपुर में हीरक जयंती का आयोजन किया जा रहा है। मैं सभी समाज से निवेदन करती हूँ, सर्व समाज से, कि सब अधिक से अधिक वहाँ पे जाएं। और मेरा इतना कहना रहेगा कि क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है प्रभु और क्षत्रिय के हित में हमेशा काम आओ। धन्यवाद।